गर्मियों में हीट स्ट्रोक से बचना है तो कभी ना करें सेहत से जुड़ी ये पांच गलतियाँ। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। ज़्यादा गर्मी के कारण बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, इस वजह से मैकेनिज्म ठीक से काम नहीं करता। लू लगने पर शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता है और शरीर के अंग का डिसफंक्शन शुरू हो जाता है। हीट स्ट्रोक से पीड़ित लोगों की कंडीशन चिंताजनक होती है। अगर हीट स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति की कंडीशन ज़्यादा खराब हो जाए तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। हीट स्ट्रोक के कारण शरीर का तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है। हीट स्ट्रोक के कारण दिल की धड़कन बढ़ सकती है और सांस लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है। हीट स्ट्रोक के कारण हड्डियों में दर्द और कमजोरी महसूस हो सकती है। कुछ कॉमन गलतियों के कारण हीट स्ट्रोक की समस्या हो सकती है। अगर हीट स्ट्रोक से बचना है तो गलतियों से बचना चाहिए। ऐसी पाँच गलतियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। शरीर को डिहाइड्रेट रखना। गर्मी हो या सर्दी, किसी भी मौसम में डिहाइड्रेशन की स्थिति अच्छी नहीं होती। खासकर गर्मी के मौसम में अगर आप शरीर को हाइड्रेट नहीं रखेंगे तो लू लग सकती है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या आउटडोर फील्ड वर्क करते हैं तो आपके लिए हाइड्रेशन का ख्याल रखना और भी ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना नहीं भूलना चाहिए। धूप में ज़्यादा देर काम करना। अगर आप धूप में ज़्यादा देर काम करेंगे तो हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं। काम के बीच ब्रेक लेना भी जरूरी है। लगातार धूप में काम करते रहने से हीट स्ट्रोक होगा। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आराम करना भी जरूरी है। बाहर काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप शेड में रहें और आपने कॉटन फैब्रिक के कपड़े ही पहने हों। सूर्य की किरणों से खुद को ना बचाना। गर्मी के मौसम में ज़्यादातर लोगों को इसी कारण के कारण तबीयत बिगड़ती है कि वह सूरज की किरणों से खुद को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। अगर आप गर्मी में बाहर निकल रहे हैं तो सनग्लासेस, हैट, स्कार्फ, ग्लव्स आदि का इस्तेमाल करें। बाहर निकलने से पहले पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें और ज़्यादा समय के लिए धूप में ना रहें। अल्कोहल या कैफीन का सेवन करना। अगर आप अल्कोहल या कैफीन का सेवन करते हैं तो हीट स्ट्रोक की समस्या हो सकती है। अल्कोहल और कैफीन के कारण डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। गर्मी के मौसम में इन चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। गर्मी में ठंडा पानी पीने से भी बचना चाहिए। गर्मी के मौसम में छाछ, दही, नारियल पानी, नींबू पानी आदि का सेवन कर सकते हैं। ज़्यादा ह्यूमिडिटी को नज़रअंदाज करना। अगर मौसम में ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो बाहर निकलने से बचना चाहिए। जब शरीर का तापमान ज़्यादा होता है तो हमें पसीना आने लगता है जिससे शरीर का तापमान कम हो जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी होने पर शरीर का तापमान नॉर्मल नहीं हो पाता। इस वजह से हीट स्ट्रोक की समस्या हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।